नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब, आशा है सभी अच्छे होंगे। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें और घंटी के निशान को ऑल पर दबा दें। और अगर आप अभी तक हमारे WhatsApp या Telegram ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो हमें अब आउट पर से मैसेज करें। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद नहीं आती तो डिसलाइक करें, लेकिन कारण अवश्य बता दें ताकि हम अगले वीडियो में सुधार कर लें। वीडियो को पूरा देखें। चलिए अब वीडियो का मजा लीजिए। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी, हमें आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी ने हमें पहचान ही लिया होगा, एक बार फिर से आप सभी के बीच में आ चुके हैं हम एक नई वीडियो लेकर। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं किस तरह से आप अपने मोबाइल में, एंड्रॉयड मोबाइल में अपने लिखे हुए डॉक्यूमेंट को नोट्स बनाकर सेव कर सकते हैं, वो भी अपने फाइल मैनेजर में, जो कि आपसे तब तक डिलीट नहीं होगा जब तक आप उसे खुद डिलीट नहीं करेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो अंत तक देखें। इसमें हमने आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर लें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले ऐसे ही पाने के लिए, क्योंकि हमारी सभी वीडियोस यूनिक और इंटरेस्टिंग होती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ और अब आपको अपना एप्लीकेशन दिखाते हैं जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने एप्लीकेशन की तरफ। ये हमारा वो एप्लीकेशन है टेक्स्ट एडिटर के नाम से। जब आप से फर्स्ट टाइम इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तब ये इस तरह से परमिशन मांगता है, आपने एक बार सुन लिया है आपको ये परमिशन दे देना है। उसके बाद हम यहाँ के कुछ ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले शुरू में आपको ये दिखेगा हिंट टैप सिलेक्ट हियर करंट डायरेक्टरी, ऐसा कुछ देखिए। हिंट टैप टैप हियर टू सिलेक्ट करंट वर्किंग डायरेक्टरी, न्यू फाइल, उसके बाद ये लोकेशन, एडिट, शेयर, न्यू, सेव, ओपन, टेक्स्ट बॉक्स। तो इतने ही ऑप्शन थे और उम्मीद है आपको ये सारे ऑप्शन किस काम आते हैं एकदम अच्छे से समझ आ गए होंगे सुनते ही। 40 वर्ड्स 0, आपकी लाइंस कितनी है और आपके टेक्स्ट में वर्ड्स कितने हैं। अभी कोई टेक्स्ट हमने लिखा नहीं है तो इसीलिए यहाँ पर कुछ नहीं दिखा रहा है। तो दोबारा से वही सब शुरू हो गया। हिंट तो ये सब दोबारा से शुरू हो गया है। अब हमें करना क्या है, चलिए चलते हैं अपनी लोकेशन की तरफ। सबसे पहले इसे देखते हैं। ये आपकी वो लोकेशन है जहाँ पे आपके फाइल मैनेजर में आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके नोट्स सेव होंगे। आप चाहें तो HTML के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, उसके बाद फाइल मैनेजर में जो उसका एक्सटेंशन है TXT उसे रीनेम करके HTML टाइप कर दीजिए .html, उसके बाद दो बार ओके करना है। उसके बाद आपका जो भी डॉक्यूमेंट आपने HTML डॉक्यूमेंट यहाँ पे टाइप किया था वो आपका HTML जो डॉक्यूमेंट है वो क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आप उसे HTML व्यूअर या क्रोम ब्राउजर में ओपन करके देख सकते हैं। खैर अभी हम लोकेशन की तरफ चलते हैं। ये हमारी लोकेशन है, इस पर हमने डबल टैप किया तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं शुरू में। सबसे पहले इसका हेडिंग है सिलेक्ट फोल्डर, उसके बाद ये पहला बटन जो दिया हुआ है, मैं कमेंट्री स्क्रीन रीडर यूज़ कर रहा हूँ इसलिए बटन बोलेगा। अगर आप ओरिजिनल टॉकबैक भी यूज़ करते हैं तो ये आपको कुछ और ही बोलेगा और आपको यहाँ पे लेबल ऐड करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लेबल ऐड कर सकते हैं क्रिएट न्यू फोल्डर। ये जो दूसरा बटन है ये सर्च का है, आप यहाँ पे लेबल ऐड कर सकते हैं सर्च फोल्डर। ये लोकेशन है, यहाँ से आप टाइप करके सर्च कर सकते हैं। उसके बाद हमारे फोल्डर शुरू हो जाते हैं।
तो यहाँ से मैं अपना ये वाला जो फोल्डर है इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले इसमें हमें डबल टैप करना था तो हमने डबल टैप कर दिया। उसके बाद सिलेक्ट फोल्डर जो हेडिंग था उसके बाद हमें एक और नया बटन मिला है। हाँ तो अभी देखिए, हमने अपना फोल्डर माई नोट्स सिलेक्ट किया था। जैसे हमने माई नोट्स में डबल टैप किया तो यहाँ पे आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट के नाम से। आपका ओरिजिनल टॉपबैक आपको बोल के बता देगा। मैं कमेंट्री स्क्रीन रीडर को यूज़ कर रहा हूँ इसीलिए ये बटन बोल रहा है। देखिए तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। अब मेरी लोकेशन चेंज हो गई है, आप देख सकते हैं। तो अभी माई नोट्स की लोकेशन हमारी आ चुकी है। आगे के ऑप्शंस देखते हैं। एडिट, यहाँ से आप नोट्स को एडिट कर सकते हैं। शेयर से आप नोट्स को शेयर कर सकते हैं। न्यू से आप न्यू नोट क्रिएट कर सकते हैं। सेव से आप अपने नोट्स को सेव कर सकते हैं। कोई भी आप जब टेक्स्ट लिखेंगे तो उसको सेव पे क्लिक करके आपको अपना टाइटल डालना है, फिर सेव कर देना है। ओपन, ओपन से आप अपना जो नोट आपने फाइल मैनेजर में सेव किया है आप उस नोट को बाद में ओपन भी कर सकते हैं। ये आपका टेक्स्ट बॉक्स है। तो चलिए अब हम अपने टेक्स्ट बॉक्स में कोई नोट को लिख देते हैं। तो चलिए नोट हमने पहले से कॉपी किया हुआ इसे पेस्ट कर देते हैं। कीबोर्ड को क्लोज करते ही ये हमारा एक टेक्स्ट है। अब हमें क्या करना है, सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे अपने टेक्स्ट का टाइटल डाल देना है। तो यहाँ पे हम अपना टाइटल डाल देते हैं। तो हमने अपने नाम से ही यहाँ पे नाम डाल दिया है, टाइटल डाल दिया है। उसके बाद सेव पे क्लिक करना है। तो कैंसिल और सेव में से आपको सेव पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे हमारा नोट्स सेव हो जाएगा। तो अब इसे देखने के लिए चलते हैं फाइल मैनेजर में। उसके लिए सबसे पहले हमें रिसेंस क्लियर करना है। हमने रिसेंस कर दिया है क्लियर, ताकि हमारी टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन का डेटा भी क्लियर हो जाए जो रिसेंस का है। अब चलते हैं फाइल मैनेजर में। तो ये हमारा फाइल मैनेजर है। यहाँ से अपना फोल्डर ढूंढते हैं। तो देखिए माई नोट्स, यहाँ पे हमें एक हमारी फाइल मिल जाती है। इसे ओपन करके देखते हैं। क्रोम में ओपन करके देखते हैं। तो ये क्रोम में तो कुछ और ही दिखा रहा है। तो हम इसे यहाँ से क्लोज कर देते हैं। और हमने क्लोज कर दिया। और अब यहाँ से होम करते हैं। हमने आपको अपना नोट जो है वो दिखा दिया कि हमारा नोट जो है वो फाइल मैनेजर में हमें मिल गया। अब आप इसे किसी ऐसी एप्लीकेशन में ओपन कर सकते हैं जिस एप्लीकेशन से आप टेक्स्ट पढ़ते हो। चलिए दोबारा से एप्लीकेशन का डेटा करते हैं क्लियर। उसके बाद दोबारा से अपनी एप्लीकेशन में चलते हैं। ओपन किया हमने, उसके बाद अपने नो ऑप्शन और देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं न्यू पे क्लिक करके। कुछ नहीं होगा न्यू, ये इन्होंने ऐसे ही बटन दिया हुआ है। न्यू पे क्लिक करके जब आप
एडिट बॉक्स पे डबल टैप करेंगे तब आपका एडिट बॉक्स ओपन होगा, वैसे नहीं होगा। शेयर पे तो आप शेयर कर ही सकते हैं, उस पर वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सेव पे भी हमने आपको दिखा दिया है, नोट सेव होता है। ओपन को देखते हैं, जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करते हैं आपका इंटरनल स्टोरेज के कुछ फोल्डर्स आपके पास आ जाते हैं। तो बाय डिफॉल्ट हमारा नोट्स की लोकेशन थी, तो ये SQL वाला हमारा टेक्स्ट आ गया है। हम इसे ओपन करते हैं तो ये हमारा ओपन हो गया है। अब देखते हैं हमारा टेक्स्ट जो है यहाँ पे आया है या नहीं। ये हमारा टेक्स्ट आ गया है। अब हम एक काम करते हैं, इस टेक्स्ट पे डबल टैप करके देखते हैं हमारा कीबोर्ड ओपन होता है या नहीं। तो हमारा कीबोर्ड जो है वो ओपन नहीं हो रहा है, हमने डबल टैप करके देख लिया। आप सुन भी सकते हैं, हमने आपको सुना भी दिया, बहुत ज़ोर ज़ोर से डबल टैप किया। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस नोट्स को जो हमने नोट सेव किया था, इस नोट को सेव एडिट करने के लिए एडिट पे क्लिक करना है। एडिट, ये जो ऑप्शन है एडिट, इस पे क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपको वापस से उसी टेक्स्ट पे फोकस रखना है और डबल टैप करना है। तो देखिए पहले हमने इतनी बार डबल टैप किया था तो कुछ नहीं हुआ था, जैसे ही हमने एडिट पे क्लिक करके इसको ओपन किया, मतलब फोकस करके टेक्स्ट पे और फिर डबल टैप किया तो हमारा कीबोर्ड ओपन हो गया है। इसी तरह से न्यू जो है वो काम करता है और इसी तरह से एडिट भी काम करता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप बड़ी इजीली अपने नोट्स को सेव करके रख सकते हैं इस एप्लीकेशन में, और साथ ही साथ HTML डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप टाइप कीजिए अपना कोई भी HTML डॉक्यूमेंट, उसके बाद आप उसे TXT फाइल में सेव कर दीजिए। फाइल मैनेजर में जाइए, अपनी लोकेशन में जाइए, फोल्डर के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट कीजिए, उसका एक्सटेंशन रीनेम करके .html लिख दीजिए। लिखने के बाद उसे आप क्रोम ब्राउज़र में या HTML व्यूअर में ओपन करके देखेंगे तो वो एकदम बढ़िया काम करेगा, और इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव करके रख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारा ये आज का वीडियो पसंद आया है, और अगर सच में पसंद आया है तो लाइक बटन दबा के वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अभी शेयर करें, और एक कमेंट भी ज़रूर करें कि वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए हम मिलते हैं आपको किसी नए वीडियो में एक नए और यूनिक टॉपिक के साथ।